हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। क्लास चल रही है, क्लास 11th मैथमेटिक्स कम जेई कम एनडीए, और टॉपिक चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री का। एडवांस लेवल में हम ट्रिग्नोमेट्री के साथ डील कर रहे हैं। एग्जाम्पलर प्रॉब्लम बुक को हम पूरा सोल्यूशन करा रहे थे, तो आज की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19 से देखिए, स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19 क्या कह रहा है यहाँ पे, पहले इस क्वेश्चन को समझिए कि कैसे सॉल्व होगा। देखिए, कॉस पाई बाई फाइव, कॉस टू पाई बाई फाइव, कॉस फोर पाई बाई फाइव, कॉस एट पाई बाई फाइव, मतलब ये एंगल इसका डबल है, फिर इसका डबल ये है, इसका डबल ये है। तो क्यों ना इसमें हम लोग फार्मूला लगा दें ये वाला, टू साइन ए कॉस ए, क्योंकि डबल होती जा रही बात। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, साइन पाई बाई फाइव और साइन पाई बाई फाइव का मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए, ये तो सब कुछ ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ था इतना, तो मैंने क्या किया, मैंने 2 साइन पाई बाई फाइव का मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। ये देखो, ऊपर है मल्टीप्लाई और ये क्या है, नीचे डिवाइड। तो आपको पता है फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या होता है साइन 2 थीटा। तो ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा साइन 2 पाई बाई फाइव, क्या बन जाएगा साइन 2 पाई बाई फाइव। अब साइन 2 पाई बाई फाइव है और साइन 2 पाई बाई फाइव कॉस 2 पाई बाई फाइव के साथ मैच कर गया, ये देखो क्या बन गया, साइन इसका डबल यानी कि साइन 4 पाई बाई फाइव, फिर साइन 4 पाई बाई फाइव कॉस 4 पाई बाई फाइव। तो एक्चुअली यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गया था, यहाँ पे आपको 2 का ऊपर मल्टीप्लाई और 2 का नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। 2 का ऊपर मल्टीप्लाई और 2 का नीचे डिवाइड, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 2 का मैंने मल्टीप्लाई किया ऊपर और 2 का मैंने नीचे डिवाइड कर दिया, तो 2 2 कितना हो गया 4। तो ये देखो, बने 4 साइन पाई बाई फाइव और ये कितना हो गया कंप्लीट, ये बन गया साइन 4 पाई बाई फाइव। अगेन आप यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो और 2 का नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये फिर से फॉर्मूला बन जाएगा। बोलो बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा 8 पाई बाई फाइव, क्या बन जाएगा 8 पाई बाई फाइव, ये देखो बन गया साइन 8 पाई बाई फाइव और ये कितना आ गया 8 साइन पाई बाई फाइव। फिर इन दोनों को आप देखो, 2 एक और जरूरत है, तो नीचे 2 का इधर डिवाइड, इधर पे 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन गया साइन 2 थीटा। तो ये फिर क्या बन जाएगा हमारे पास में, ये बन जाएगा साइन 8 2 जा 16 पाई बाई फाइव, तो ये हो गया हमारे पास साइन 16 पाई बाई फाइव, ऊपर आ चुका है और नीचे कितना बैठा है 16 साइन पाई बाई फाइव, 16 साइन पाई बाई फाइव। देखो, मैंने इसको सॉल्व करना आपको बताया था, साइन 16 पाई बाई फाइव को मैंने कहा था 16 में 5 का डिवाइड कर दो, 5 3 जा 15, मतलब बच्चों कितना हो गया 3 प्लस 2 1 बाई फाइव, तो मतलब 3 पाई प्लस पाई बाई फाइव, बोलो होगा कि नहीं होगा। 5 3 जा 15 प्लस 1 16 और ये हो गया कितना 16 साइन पाई बाई फाइव। बच्चों फार्मूला लगाओ, साइन 3 पाई प्लस पाई बाई फाइव, ध्यान से देखो साइन 3 पाई प्लस पाई बाई फाइव कितना होगा, देखो नहीं नहीं साइन पाई बाई, देखो 3 पाई तो ये होता है 2 पाई, बोलो यस और नो, और ये कितना हो गया 3 पाई और ये आगे, तो साइन 3 पाई प्लस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट, ये लाइन क्रॉस हो रही है मतलब नो चेंज, तो साइन 3 पाई प्लस थीटा, तो नो चेंज आएगा साइन थीटा, बट क्वाड्रेंट आपका थर्ड है तो साइन नेगेटिव होता है माइनस साइन थीटा, मतलब ऊपर वाली चीज़ क्या बन जाएगी माइनस साइन पाई बाई फाइव, तो कितना बन गया माइनस साइन पाई बाई फाइव और नीचे है 16 साइन पाई बाई फाइव, ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर कितना आया माइनस 1 बाई 16 विल बी द आंसर। तो करेक्ट आंसर इसका कितना है माइनस 1 बाई 16। चलिए इसको जल्दी से कर डालिए एक बार बिना देखे, ओके। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार ये जेई में पूछा गया है, एनडीए में पूछा गया है, बहुत सारे टेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत मस्त क्वेश्चन, डन। ओके गाइस, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ओके, और ये कैटेगरी एनडीए एंड जेई लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। इफ 3 10 30 थीटा माइनस 15 इक्वल टू 10 थीटा प्लस 15, और कह रहा है कि थीटा जो है 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में है, मतलब जो आंसर होगा वो 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच का है, तो आपको बताना है थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू क्या होगी, ओके। ऑप्शन जो भी होंगे उससे कोई लेना देना नहीं है, फिलहाल फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन दिया गया है। क्या करूँगा, देखो बहुत ही सिंपल है, इसको इसके नीचे ले, इसके जो इसको नीचे ले आइए यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 3/1, बोलिए यस और नो। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप लगा दीजिए कंपोडेंडो डिविडेंडो, क्या लगा दीजिए कंपोडेंडो डिविडेंडो। तो मैंने आपको कंपोडेंडो डिविडेंडो बताया था कि नीचे वाले को ऊपर एक बार प्लस कर दो, ऊपर और ऊपर वाले से नीचे वाले को एक बार माइनस कर दो, तो ये लग गया कंपोडेंडो डिविडेंडो। अच्छा, इधर क्या हो जाएगा राइट साइड में, तो राइट साइड में देखो कैसे लगेगा कंपोड, 3/1 है ना, तो 3/1 ऊपर वाले में नीचे वाले एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो ऊपर कितना हो 4 और नीचे का 2 कट गया, कितना आया 2, तो यहाँ से 2 आ गया, बोलो क्लियर है। अब इसके बाद लगाया आपने कंपोडेंडो डिविडेंडो, 10 को खोल दो साइन और कॉस के टर्म में, तो कैसे खोलेगा, देखो साइन अपॉन कॉस
और ये भी क्या टूटेगा, साइन अपॉन कॉस। अच्छे से समझ लो इसको, मैं करके बता देता हूँ तब आपको क्लियर हो जाएगा। ये यस, ये देखिए ये आपके सामने है, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। तो कैसे सॉल्व होगा, देखिए यहाँ पे है साइन थीटा प्लस 15 डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस 15 प्लस साइन थीटा माइनस 15 डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस 15 होल डिवाइड बाई, यहाँ पे कितना है साइन थीटा प्लस 15 डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस 15 माइनस साइन थीटा माइनस 15 डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस 15 ओके इक्वल टू 2 दिया है। चलो देखो एलसीएम में थीटा प्लस 15 है, थीटा माइनस 15 है, एलसीएम यही आ जाएगा दोनों का मल्टीप्लाई, और क्या होगा ऊपर ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, तो क्या बन गया साइन थीटा प्लस 15 कॉस थीटा माइनस 15 ठीक है प्लस साइन थीटा माइनस 15 और कॉस में कितना थीटा प्लस 15। नीचे पे क्या बन गया, नीचे बन गया कॉस ऑफ थीटा प्लस 15 इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस 15 बहुत बढ़िया अपॉन में साइन थीटा प्लस 15 इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस 15 माइनस साइन थीटा माइनस 15 इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस 15 ठीक है बेटा, और डिवाइड बाई कॉस ऑफ थीटा प्लस 15 इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस 15 बेटा ये जो है ये इसको कैंसिल कर देगा ना, और आपके पास क्या बन गया ये देखो ये वाली स्ट्रक्चर बन गई। क्या फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, नीचे क्या है साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, या वही कॉस ए साइन बी, मतलब ऊपर फॉर्मूला बन रहा है साइन ए प्लस बी का और नीचे फॉर्मूला बन रहा है साइन ए माइनस बी का। तो ए क्या है यहाँ पे ये है और बी क्या है यहाँ पे ये, तो साइन ए प्लस बी दोनों को ऐड करो, 15 से 15 कैंसिल, क्या बचेगा साइन 2 थीटा, और नीचे क्या बन रहा है ए माइनस बी का, क्या बन रहा है ए माइनस बी का, तो साइन ए माइनस बी थीटा प्लस 15 और माइनस का थीटा, और इसमें माइनस का टैग होगा तो प्लस 15 हो जाएगा, थीटा से थीटा क्या हो गया कैंसिल, साइन 30 हो गया, तो नीचे आ गया साइन 30, तो कितना हो गया देखो साइन 2 थीटा अपॉन साइन 30 इक्वल टू 2, तो साइन थीटा अपॉन साइन 30 कितना होता 1/2, पलट करके 2 पर आ गया इधर 1 इक्वल टू 2 है, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, सॉरी यहाँ 2 थीटा है तो 1 आ गया, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू कितना 1, तो 2 थीटा कितना हुआ 90 डिग्री, 2 थीटा कितना हुआ, तो थीटा कितना हुआ 90/2 बोले तो 45 डिग्री, या उसी को बोलते हैं पाई बाई 4, तो करेक्ट आंसर क्या है पाई बाई 4 डन। इसको नोट करिए जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को ओके चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है मैं आपको करने को दे रहा हूँ, बताइए इसमें मैच द कॉलम करना है आपको, मैच कराना है, चलिए शुरू हो जाइए जल्दी से, कौन सा किससे मैच करेगा, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, चलो स्टार्ट करो ओके देखिए तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ईजी है, 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 ठीक है ना बेटा, आराम से सॉल्व हो जाएगा 10 एक्स बाई 2 आ गया ये वाला, फिर इसके बाद 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स कितना आ जाएगा कॉट एक्स बाई कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2 वेरी गुड, फिर इसके बाद 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स है कॉट एक्स बाई 2 और इसके बाद ये आ जाएगा, मेरे ख्याल से ये आप लोगों से नहीं बना होगा, चलिए बन गया वेरी गुड। हाँ मैंने आपको बताया था कि जब भी रूट के अंदर से कभी भी एक्स स्क्वायर को हटाओगे तो ये क्या निकलेगा मॉड एक्स, तो ये बन जाएगा 1 क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये हो गया क्लियर डन। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव इधर पे फिनिश हो जाता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देख लीजिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने सारे कर लिए हैं ठीक ना, और केवल लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बाकी हैं, सब्जेक्टिव में बाकी सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव भी पूरे हमने कर लिए हैं, अब हम करते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ये देखिए हमारा कल का लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाई देता हूँ वेरीफाई करने के लिए, कल का हमारा लास्ट क्वेश्चन कहाँ है भाई, ये था कल का हमारा लास्ट क्वेश्चन, 76 क्वेश्चन हो गए हमारे ठीक है ओके गाइस, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 देन फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, चलिए निकालिए जल्दी से, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 है तो आपको जनरल वैल्यू थीटा की निकालनी है ओके, दो तरीके से इसका सोल्यूशन है, स्क्वायर कर दीजिए बहुत इजीली आ जाएगा,
और एक तरीका है वही a cos x प्लस बी साइन एक्स वाला मेथड, उससे भी आ जाएगा। ओके तो बच्चों दोनों मेथड बड़े इजी हैं। अगला क्वेश्चन चलिए इसको टेस्ट समझ के अगला क्वेश्चन करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए करिए इसको, इसको टेस्ट समझ के इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, करिए। फाइंड द मोस्ट जनरल वैल्यू ऑफ द थीटा सेटिस्फाइंग टेन थीटा इक्वल टू माइनस वन एंड कॉस थीटा इक्वल टू वन अपॉन रूट टू, करिए जल्दी से। चलिए देखिए बच्चों ये क्वेश्चन करते हैं अपन, तो क्या कह रहा है, फाइंड द मोस्ट जनरल वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द इक्वेशन टेन थीटा इक्वल टू माइनस वन। तो बेटा यहाँ पे दो इक्वेशन दिए गए, एक दिया टेन थीटा इक्वल टू माइनस का वन और कॉस थीटा इक्वल टू वन अपॉन रूट टू। तो सबसे पहले क्वेश्चन के मिजाज को भाप लो, टेन थीटा की वैल्यू निगेटिव और कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, तो भैया ऐसा केवल फोर्थ क्वाड्रेंट में ही होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन थीटा होता है निगेटिव यानी लेस देन जीरो और कॉस थीटा होता है क्या पॉजिटिव। मतलब जो हमारा प्रिंसिपल एंगल मिलेगा, जो हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही मिलेगा। कोशिश करो कि अपना प्रिंसिपल सोल्यूशन जो है कहाँ पर आ जाए, फोर्थ क्वाड्रेंट पे। चलिए तो सॉल्व करते हैं, पहला दिया हमको एंगल, पहला दिया है टेन थीटा इक्वल टू माइनस वन। बच्चे लोग बेचारे सॉल्व करने में कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो टेन थीटा इक्वल टू, क्या आप इसको माइनस टेन पाई बाई फोर लिख सकते हैं, बेशक लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन पाई बाई फोर मैंने लिख दिया। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सोचो कि टेन टू पाई माइनस थीटा कितना होता है, बताओ टेन टू पाई माइनस थीटा, बोलिए टेन टू पाई माइनस थीटा कितना होता है, यहाँ पर कह रहे हो आपकी टेन थीटा, हाँ माइनस टेन थीटा कितना होता है, माइनस टेन थीटा। तो यहाँ से उल्टा देखो, माइनस टेन थीटा इक्वल टू टेन टू पाई माइनस थीटा, बोलिए हाँ या ना। सर आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो एंगल मिले वो किस क्वाड्रेंट में मिले, फोर्थ में, और ऐसा करने से मेरे को एंगल मेरा फोर्थ में मिलेगा, तो टेन टू पाई माइनस पाई बाई फोर बोले तो कितना हो गया, सेवन पाई बाई फोर, बोलो हाँ। तो ये मिल गया टेन थीटा, तो प्रिंसिपल सोल्यूशन मेरे पास कितना आ गया, थीटा इक्वल टू सेवन पाई बाई फोर। ओके थीटा इक्वल टू सेवन पाई बाई फोर। अब अगर आपके पास केवल यही सोल्यूशन होता तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या आता, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस सेवन पाई बाई फोर। क्यों आता, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा का जनरल सोल्यूशन यही होता है, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, और उसकी वजह से सोल्यूशन ये आता, बोलो आता कि नहीं आता। मगर हमारे पास बच्चों एक ही क्वेश्चन नहीं है, दो क्वेश्चन है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन दिया है कॉस थीटा इक्वल टू वन बाई रूट टू, और कॉस पॉजिटिव मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में ही अपन को गाड़ी लेके जाना पड़ेगा, तो चलो सॉल्व कराता हूँ मैं। कॉस थीटा इक्वल टू वन बाई रूट टू, तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई फोर, और कॉस पाई बाई फोर को आप जरा सोचो कि कॉस टू पाई माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, तो कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉस टू पाई माइनस पाई बाई फोर, सो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ सेवन पाई बाई फोर, बोलिए सर नो। तो यहाँ पर अब इसका जनरल सोल्यूशन क्या बनेगा, थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई फोर, सॉरी सेवन पाई बाई फोर। ओके एनी प्रॉब्लम, ये आ गया इसका दूसरा जनरल सोल्यूशन। तो अभी हमारे पास दो जनरल सोल्यूशन है, एक थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई फोर, और थीटा इक्वल टू कितना टू एन पाई प्लस सेवन, सॉरी सेवन पाई बाई फोर, और यहाँ भी कितना है सेवन पाई बाई फोर। हमको क्या देना है, ये टेन एक्स वाले का है, ये कॉस एक्स वाले का है, हमको देना है दोनों का हल। हमको क्या देना है, दोनों का हल मतलब दोनों का सोल्यूशन जिसमें दोनों सेटिस्फाई हों। ध्यान से देखिए, ये किस पे सेटिस्फाई है, एन पाई प्लस सेवन पाई बाई फोर, और ये किस पे सेटिस्फाई है, टू एन पाई प्लस सेवन पाई बाई फोर। अब आपको मैं कह रहा हूँ कुछ संख्या लिखने को, जैसे मान लो मैंने कुछ नंबर लिखा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ओके एन का मतलब क्या, इंटीजर है, एन का मतलब क्या है, इंटीजर। तो यदि आप इसको एन की वैल्यू लोगे इंटीजर लेके,
और यदि यहाँ पे n रखते जाओ तो देखो पहले वाला n इक्वल टू वन के लिए कितना आएगा, n पाई प्लस पाई बाई फोर आएगा। फिर n इक्वल टू टू के लिए कितना आएगा, टू एन पाई प्लस, अरे भाई सेवन पाई बाई फोर है, बार बार मैं पाई बाई फोर लिख दे, सेवन पाई बाई फोर। फिर कितना आएगा, थ्री एन पाई प्लस सेवन पाई बाई फोर। फिर कितना आएगा, फोर एन पाई प्लस सेवन पाई बाई फोर। फिर कितना आएगा, फाइव एन पाई प्लस सेवन पाई बाई फोर आएगा ना ऐसे। ये इसके लिए हो गया, पहला टेन वाले के लिए। अब मैं इसका लिखता हूँ, देखो जरा, तो n की वैल्यू वन डालो, टू वन जा टू, कितना हो गया, टू पाई प्लस पाई बाई फोर। यहाँ पे n तो डाल चुका था मैं, n की वैल्यू वन थी तो वन पाई, n की वैल्यू टू 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 पाई, थ्री पे थ्री पाई, फोर पाई, फिर फाइव पाई। अब n की वैल्यू टू डाल रहा हूँ, किस पे डाल रहा हूँ, टू एन पाई वाले में। हाँ, तो n की वैल्यू टू पे कितना हो गया, टू एन पाई प्लस सेवन पाई बाई फोर। n की वैल्यू वन पे, फिर n की वैल्यू टू पे बोलो कितना होगा, फोर पाई प्लस सेवन पाई बाई फोर। फिर n की वैल्यू थ्री पे कितना होगा, प्लस सेवन पाई बाई फोर। क्या चाहिए हमको, कॉमन सोल्यूशन। ध्यान से देखो, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, इसके नीचे ये वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब दोनों का हल क्या है, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट है कि नहीं है। और ये पूरा का पूरा पार्ट कितना है, टू एन पाई प्लस सेवन पाई बाई फोर। ओके, टू एन पाई प्लस माइनस सेवन पाई बाई फोर। तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या निकलेगा, टू एन पाई प्लस माइनस सेवन पाई बाई फोर। तो ये देखिए, हालांकि इन्होंने प्लस भी लिखा बट माइनस भी चलेगा, टू एन पाई प्लस माइनस सेवन पाई बाई फोर। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, चलो नोट कर लो। ओके गाइस, तो ये क्वेश्चन भी देख लीजिए आप लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है, वन टाइम में बनने वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपके सीबीएसई एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको प्रिपेयर कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू थ्री कॉस थीटा, वेयर थीटा इज बिटवीन जीरो टू टू पाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। चलिए सॉल्व कीजिए इसको जल्दी से, बहुत ईजी क्वेश्चन है, करिए इसको।